हेलो फ्रेंड्स, मैंने जिंदगी में जो पढ़ा, जो सीखा, जो जाना, मेरी इच्छा थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं सूझ रहा था, लेकिन इस माध्यम के जरिए मैं आप लोगों से कनेक्ट हो सका। तो दोस्तों, आज से शुरू करता हूं नेगेटिव थॉट के बारे में, यानी हमारी सोच के बारे में। हमारी नेगेटिव थॉट का हमारे शरीर, हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों और हमारे मेंटल लेवल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। अमेरिका में एक बार एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई, तो वहां के वैज्ञानिकों ने सोचा, क्यों ना हम इस कैदी पर कुछ एक्सपेरिमेंट करें। तो उन्होंने कैदी से कहा कि हम आपको फांसी पर लटकाकर नहीं मारेंगे, बल्कि कोबरे सांप से डसवा कर मारेंगे। उसके बाद वहां पर एक कोबरा सांप लाया गया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, और उसके बाद उसे कुर्सी से बांध दिया गया और उसे दो पिंच हुई गई। और कमाल की बात है कि कुछ ही देर के बाद उसकी डेथ हो गई। और जब पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि शरीर में वैसा ही जहर था। अब यह जहर आया कहां से? यह उसके शरीर ने सदमे में पैदा किया। इसलिए फ्रेंड्स, हमारी सोच का हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब भी हम नेगेटिव या पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी उसी के अनुसार एनर्जी पैदा करती है और फिर उसी के अनुसार हॉर्मोन्स पैदा होते हैं। 75% बीमारियां हमारी नेगेटिव सोच के कारण ही पैदा होती हैं। मैं यहां आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब आप गोलगप्पे खाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके मुंह में पहले ही पानी आना शुरू हो जाता है। दरअसल वो जायका और टेस्ट आप महसूस करने लगते हैं और हमारी बॉडी उसी के अनुसार सिक्रेशन करने लगती है। इसलिए हमारे आज तक ज्यादातर दोस्त नेगेटिव सोच के कारण खुद ही भस्मासुर बनकर अपना विनाश कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी, पॉजिटिव हॉर्मोन्स पैदा होगी, आपका मेंटल लेवल सुधरेगा, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और चांसेस हैं कि आप कभी हॉस्पिटल भी ना जाएं और आप जिंदगी में सक्सेस भी जरूर होंगे। जो भी काम करेंगे उसी में सक्सेस होंगे। इसीलिए किसी ने सही कहा है, दिल पे मत ले यार, मर जाएगा। इसलिए दोस्तों, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव। आपसे फिर मिलूंगा जिंदगी के बारे में कुछ और नई टिप्स लेकर।